जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल SP क्लासेस पर। आज की वीडियो में 15 दिसंबर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उनका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो चलिए, आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पहुँच जाएगी। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना ना भूलें, क्योंकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसकी PDF फाइल हम टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध कर देते हैं। तो आप टेलीग्राम ऐप में सर्च कीजिए IAS स्टडी ट्रैक, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक संशोधन बिल 2019 के अनुसार किन देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों की को भारत की नागरिकता मिलेगी? तो किसको मिलेगी भारत की नागरिकता? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता मिलेगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। संसद ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को पारित कर दिया है। इस बिल के द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया जाएगा। इस बिल के द्वारा बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रताड़ित हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी नागरिक को भारत में नागरिकता प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने दिशा विधेयक 2019 को मंजूरी दी है? तो दिशा विधेयक 2019 को मंजूरी दी है, तो किस राज्य की कैबिनेट मिशन ने कैबिनेट विधेयक ने? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश, विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने दिशा बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल के द्वारा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। दिशा बिल को आंध्र प्रदेश क्रिमिनल ला संशोधन बिल के नाम से भी जाना जाता है। इस बिल के मुताबिक मामले की पंजीकरण 21 दिन के भीतर निर्णय घोषित किया जाना चाहिए। इसके तहत बलात्कार तथा तेजाब हमलों को विशेष महत्व दिया जाएगा। इस नए कानून में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए मृत्युदंड प्रावधान है। किस राज्य की सरकार नवोद्यम योजना शुरू करेगी? तो कौन से राज्य की सरकार नवोद्यम जो योजना है उसको शुरू करेगी? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश सरकार यह योजना शुरू करेगी। अगला है, भारत ने चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया? तो कब लॉन्च किया था मिशन चंद्रयान 2 को? तो इसका आंसर है 22 जुलाई, 22 जुलाई को इसको लॉन्च किया था। अगला, देश का पहला फन गेमिंग जोन रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया गया है? तो कहाँ पर बनाया गया है यह रेलवे स्टेशन? तो इसका आंसर होगा विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में यह रेलवे स्टेशन बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो कौन से शहर में किया जाएगा इसका आयोजन? तो इसका आंसर है बेंगलुरु, विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। बेंगलुरु में 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का आयोजन किया जाएगा। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का आयोजन 3 जनवरी 2020 को बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। इसकी थीम विज्ञान और तकनीक ग्रामीण विकास का है। इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। इस 5 दिवसीय इवेंट में 15,000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बेंगलुरु भारत के राज्य कर्नाटक की राजधानी है। भारत का गणराज्य का 3रा सबसे बड़ा शहर और 5वां सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का शुभारंभ किस राज्य में किया जाएगा? तो कौन से राज्य में यह राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़, विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में इस महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का शुभारंभ छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर। तो क्या है छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी? रायपुर। रायपुर में 27 से 29 दिसंबर तक किया जाएगा। इस महोत्सव की मुख्य अतिथि के रूप में श्रीलंका, बेलारूस, युगांडा, बांग्लादेश सहित 6 देशों के कलाकार भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो भूपेश बघेल जी।
किस राज्य के सीएम भूपेश बघेल ने लेमरू एलिफेंट रिवर्स की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, नक्सल विरोधी महिला कमांडो यूनिट की पहली तैनाती किस राज्य में की जाएगी? तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में तैनाती की जाएगी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में बेस्ट परफॉर्मेंस टेस्ट अवार्ड किसे मिला? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ को यह परफॉर्मेंस स्टेट अवार्ड मिला है। देश का पहला गार्बेज कैफे किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो कौन से राज्य में शुरू किया जाएगा यह? तो यह किया जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य में यह शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्मार्ट जलवायु कृषि प्रणाली पर संगोष्ठी का शुभारंभ कहाँ पर किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा संगोष्ठी का शुभारंभ? तो इसका आंसर होगा दिल्ली, विकल्प नंबर दो इसका सही हो जाएगा, दिल्ली में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्मार्ट जलवायु कृषि प्रणाली पर संगोष्ठी का शुभारंभ दिल्ली में किया जाएगा, दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो कौन है? दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। संस्कृत का पहला विश्व सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो कौन से शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा दिल्ली में, दिल्ली में यह आयोजित किया जाएगा। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया? तो क्या रख दिया गया है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर? तो अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया है। स्वच्छता महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा यह स्वच्छता महोत्सव 2019 का आयोजन? तो इसका आंसर होगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, सातवां कम्युनिस्ट रेडियो सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो यह कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? दिल्ली में, दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने 2019 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो किसको चुना है बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर? तो इसका आंसर होगा बॉब ईगर, विकल्प नंबर दो इसका सही हो जाएगा, बॉब ईगर को चुना है। टाइम मैगजीन ने 2019 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर बॉग ईगर को घोषित कर दिया है, जबकि पर्सन ऑफ द ईयर ग्रेटा थनबर्ग हैं। पर्सन ऑफ द ईयर कौन है? ग्रेटा थनबर्ग। द गार्डियन ऑफ द ईयर पब्लिक सर्वेंट हैं और इंटरटेनमेंट ऑफ द ईयर मेलिसा जेफरसन को घोषित किया है। यह बात याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टाइम मैगजीन ने 2019 का स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल व निशानेबाज सौरभ चौधरी को घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नई स्टार्टअप नीति का अनावरण किया है? तो कौन सी सरकार ने अनावरण किया है? तो इसका आंसर होगा पांडिचेरी, पांडिचेरी राज्य सरकार ने नई स्टार्टअप नीति का अनावरण किया है। 72वें कौन फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्मकार की फिल्म में अवार्ड जीता है? तो कौन सी फिल्म ने अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर होगा राम नारायण कौशिक और अच्युतानंद द्विवेदी। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नारायण सामी, याद रखना है यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नारायण सामी। अगला क्वेश्चन है, IIM इंदौर ट्रिपल क्राउन वाला देश का कौन सा संस्थान बन गया है? तो कौन सा संस्थान बन गया है? तो इसका आंसर होगा दूसरा, विकल्प नंबर दो इसका सही हो जाएगा। IISM इंदौर ट्रिपल क्राउन वाला देश का दूसरा संस्थान बन गया है। हाल ही में IIS इंदौर ने EFMD क्वालिटी इम्प्रूवमेंट सिस्टम एड्रीटेशन हासिल किया है, जबकि ट्रिपल क्राउन वाला देश का पहला स्थान IISM कलकत्ता है। भारत ने हाल ही में टैंक भेदी किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो कौन से मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर होगा स्पाइक। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो कौन सी सरकार ने यह घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला है, मुख्यमंत्री मदद योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो कौन सी राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री मदद योजना सरकार जो राज्य सरकार ने यह योजना लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में 2 वर्ष पहले खोजी गई सुलावेती की एक गुफा में 44,000 पुराना एक भित्ति चित्र मिला है?
तो कहाँ पर मिला है यह चित्र? तो इसका आंसर इंडोनेशिया, विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। इंडोनेशिया में यह चित्र मिला है। इंडोनेशिया के आइलैंड में 2 वर्ष पहले खोजी गई सुलावेसी की एक गुफा में हाल ही में 44,000 साल पुराना एक भित्ति चित्र मिला है। यह चित्र 4.5 मीटर चौड़ा दुनिया के इतिहास में सबसे पुराना है। इंडोनेशिया गणराज्य दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया में स्थित एक विशाल देश है। और यहाँ की राजधानी क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की राजधानी तो जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। मुद्रा क्या है यहाँ की? तो यहाँ की मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया। और राष्ट्रपति जोको विडोडो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट के मुताबिक किस वर्ष में अमेरिका में करीब 10,000 भारतीयों को हिरासत में लिया गया? तो कब लिया गया? तो इसका आंसर है 2018, विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अमेरिका सरकार की ओर से जारी की गई एक रिपोर्ट के विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा या जन सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में वर्ष 2018 में करीब 10,000 भारतीयों को हिरासत में लिया गया। इन 10,000 भारतीयों में से 1,831 अमेरिका से बाहर निकाल दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रिकेटर खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी के इतिहास का तीसरा सबसे तेज दोहरा शतक लगा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो भाई कौन खिलाड़ी हैं? तो पृथ्वी शॉ, विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। पृथ्वी शॉ ने रणजी ट्रॉफी के इतिहास का तीसरा सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है। पृथ्वी शॉ ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी के इतिहास का तीसरा सबसे तेज दोहरा शतक और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना पहला दोहरा शतक लगाया है। पृथ्वी शॉ ने यह रिकॉर्ड भारतीय मुख्य कोच रवि शास्त्री 123 गेंदों में और राजेश बोरा 156 गेंदों के नाम था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक कमर्शियल विमान का सफल परीक्षण किया जाएगा? तो कहां पर किया जाएगा? तो इसका आंसर है कनाडा, विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। कनाडा में किया जाएगा। पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन विश्व के पहले कमर्शियल प्लेन ने कनाडा में पहली उड़ान भरी। यह विमान कनाडा के शहर वैंकूवर में उड़ान भरने के बाद इतिहास रच चुका है। यह विमान में 6 यात्री सवार थे और लगभग 15 मिनट से कम समय तक यह विमान हवा में रहा। लगभग 62 साल पुरानी DHC-2 दी हॉविलैंड बीमर विमान में 750 हॉर्स पावर की इलेक्ट्रॉनिक मोटर लगाकर इसका परीक्षण किया गया है। कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक देश है जिसमें 10 प्रांत और 3 केंद्रीय शासित प्रदेश हैं। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वह कौन है? कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और राजधानी क्या है कनाडा की? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राजधानी कनाडा की क्या है? तो इसकी राजधानी है जो वह ओटावा यहाँ की राजधानी है। और मुद्रा यहाँ की है कैडियन डॉलर यहाँ की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है बनता है, तो इस प्रश्न का आपको उत्तर कमेंट में बताना है। तो 4 विकल्प आपके सामने हैं, आप कमेंट में इसका आंसर बताइए। टाइम मैगजीन ने 2019 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो विकल्प आपके सामने 4 मौजूद हैं, तो आपको सही आंसर कमेंट में बताना है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पहुँच जाएगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो और आप हमारी टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना ना भूलें, क्योंकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसकी PDF हम टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध कर देते हैं। तो आप टेलीग्राम ऐप में सर्च कीजिए IAS स्टडी ट्रैक, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें, फेसबुक पर सर्च कीजिए SP क्लासेस यूट्यूब चैनल, यहाँ से आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, हम निरंतर ही ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और आप हमें कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।